पिछली वीडियो में मैंने घोस्ट डिटेक्टर एप्लीकेशन का फ्री वर्जन का रिव्यू किया था, जिस पर आप लोगों का ठीक ठाक रिस्पॉन्स मुझे देखने को मिल गया। तब उस एप्लीकेशन में मैंने 5 क्वेश्चन पूछे थे। 5 से जब मैंने 6वां क्वेश्चन पूछने की कोशिश करी तो ये एप्लीकेशन अपग्रेड करने की डिमांड मांग रहा था, यानी कि अपग्रेड करने के लिए बोल रहा था, यानी कि 5 क्वेश्चन से आप जब भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे तो इसे आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। तो इस एप्लीकेशन को मैंने अपग्रेड कर लिया है और उस पिछली वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और एक बात आपको और बता दूं, जो RKR हिस्ट्री नाम के यूट्यूबर हैं, जो कि पॉपुलर हॉन्टेड प्लेस व्लॉगर हैं, उन्होंने इस एप्लीकेशन का रिव्यू किया है, तो उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उन्होंने इस एप्लीकेशन को नॉर्मली बताया कि ये वर्क नहीं करता है, किसी भी तरीके का कोई वर्क नहीं करता। उन्होंने थोड़ा सा इसको रिव्यू किया और मतलब क्वेश्चन भी नहीं पूछे किसी भी स्पिरिट से, उन्होंने डायरेक्टली कह दिया कि ये कोई काम का एप्लीकेशन नहीं है, कोई वर्क नहीं करता है, सिर्फ ऐसी ही एप्लीकेशन है फ़न पर्पज़ के लिए। तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, और जो वीडियो मैंने पहला बनाया था फ्री वर्जन का, उसका भी आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। और पिछली वीडियो में मैंने 5 क्वेश्चन पूछे थे, अब ये एप्लीकेशन अपग्रेड हो गया है। तो मैं आपको बता दूँ कि आपको ये एप्लीकेशन अपग्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगा। तो अपग्रेड करने के बाद अब मैं वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैं इस एप्लीकेशन से 7 क्वेश्चन पूछूंगा, 5 से ज़्यादा ही होंगे जो कि, तो 7 क्वेश्चन के बाद इस एप्लीकेशन को हम बंद कर देंगे। और मैं आपको एंड में बता दूंगा वीडियो के कि आपको ये एप्लीकेशन अपग्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको पता चल जाएगा अपग्रेड करने से हमें कौन कौन से बेनिफिट मिलेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ इस एप्लीकेशन को। गाइस, इस एप्लीकेशन का पहला फ़ायदा यही है, जैसे ही आप इसे अपग्रेड कर लेंगे तो बहुत ही जल्दी ओपन हो जाता है। देखिए, डायरेक्टली ओपन हो गया, और फ्री वर्जन में आप जब देखोगे तो उसमें ये जल्दी ओपन नहीं होता है। और किसी पॉपुलर जो मतलब RKR हिस्ट्री है, उनकी वीडियो का जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उनकी वीडियो भी जाके देखोगे तो वहाँ पे भी उनके तो स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा हैवी होते हैं, अच्छे स्मार्टफोन हैं, तो वहाँ पे भी उनके मोबाइल फ़ोन में भी ये एप्लीकेशन जो फ्री वर्जन है जल्दी ओपन नहीं होता है। तो अपग्रेड कर लोगे तो बहुत जल्दी ओपन हो जाएगा। तो चलो मैं स्टार्ट करते हैं, किसी घोस्ट या स्पिरिट को ढूंढते हैं, उसके बाद फिर उससे 7 क्वेश्चन पूछते हैं। तो गाइस, मैं स्लोली अराउंड घुमा रहा हूँ अपने स्मार्टफोन को और देखते हैं कितनी जल्दी हम लोगों को यहाँ पे स्पिरिट दिखाई देता है। अभी तक कोई सिग्नल देखने को नहीं मिला है, जल्दी जैसे ही सिग्नल मिलेगा उसमें सिग्नल की तरफ क्या कहते हैं हम लोग मूव कर लेंगे। गर्मी बहुत है, नाक पे पसीना आ रहा है, जिसकी वजह से वॉइस भी थोड़ी गड़बड़ हो रही है। गाइस, सिग्नल मिल चुका है, तो चलिए ये जैसे कि आ चुका है सिग्नल हमारे सामने, अब इनसे क्वेश्चन पूछते हैं। व्हाट इज़ योर नेम? अब रिस्पॉन्स मिल रहा है हमें। इन्होंने अपना नाम दिखाया है, ये क्या लिखा है? आई एम अजय। गाइस, ये तो मेरे ही नामा राशि है। चलो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, आर यू मेल या फीमेल? मुझे मेल लग रहा है, पर देखते हैं यहाँ से क्या ऑप्शन हमें मिलता है। आई टेक ऑन द मैस्कुलाइन फॉर्म। चलो ठीक है, अब हम तीसरा क्वेश्चन पूछते हैं, इनकी एंटिटी पूछ लेते हैं इनसे क्या है। आई एम ए स्पिरिट ऑफ गुड वेल्थ एंड फॉर्च्यून। अच्छा, ये अच्छी स्पिरिट है, एक स्पिरिट है यानी कि। आर यू गुड या एविल? देखते हैं। गुड टू द कोर माई फ्रेंड। तो गाइज, हमने 4 क्वेश्चन पूछ लिए हैं, अब 3 क्वेश्चन और रह गए पूछने के लिए। आई हैव लिव्ड फॉर मैनी जेनरेशंस। ओके, Where did you live?
इन द सैंडी डिजर्ट्स ऑफ अरबिया। ओके, डिड यू हैव जॉब? I assistant those who would find my treasures. Okay, तो गाइज आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मैंने 7 क्वेश्चन कम्प्लीटली पूछ लिए हैं, 3, 4, 5, 6, 7 ओके 7 क्वेश्चन पूछ लिए हैं, लेकिन एक क्वेश्चन और हम पूछ लेते हैं। आर यू एलोन का क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं यहाँ से हमें क्या रिस्पॉन्स मिलता है। I always find myself in good company. Okay, तो मैंने completely 8 questions इस application से पूछ लिए, तो अब हम इस application को जो कि है बंद कर देते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये application आपको upgrade करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ, इस application को अगर आप upgrade करते हैं तो आपको 3 benefits देखने को मिलते हैं। करीब 150 रुपये लगता है आपको इस application को upgrade करने में। तो मैं बताता हूँ आपको इसमें क्या क्या benefit मिलते हैं। पहला बेनिफिट आपको ये है कि ये एप्लीकेशन बहुत ही जल्दी ओपन हो जाता है, फ्री वर्ज़न में ये जल्दी ओपन नहीं होता है। जो फ्री वर्ज़न का वीडियो है वो मैंने बना रखा है इसी चैनल पर, तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और RKR हिस्ट्री ने भी इस एप्लीकेशन का क्या कहते हैं रिव्यू किया है, जो फ्री वर्ज़न ही है, तो उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब दूसरा जो क्या कहते हैं बेनिफिट है वो आपको ये मिलेगा कि ये जो नीचे ये जो आपको बीच में सर्कल दिख रहा है ना, इसके नीचे एड्स आते हैं, तो ये एड्स आना बंद हो जाएंगे। दूसरा बेनिफिट आपको ये मिलेगा। तीसरा बेनिफिट ये है जो ये आस्क अनदर क्वेश्चंस हैं, इसमें आप ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे अनलॉक हो जाते हैं। फ्री वर्जन में आप सिर्फ 5 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 6वां क्वेश्चन जैसे ही आप पूछेंगे तो अपग्रेड करने के लिए आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। तो ये 3 बेनिफिट आपको देखने को मिल जाएंगे बस, बाकी चौथा कोई भी बेनिफिट नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप इस एप्लीकेशन को फ़न पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा इस एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं, ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तब आप इसको अपग्रेड कर सकते हैं। और अगर नहीं करेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा इस एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं या करने वाले हैं या करने की सोच रहे हैं, तो फिर आप इस एप्लीकेशन को बाय कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप कभी कभी सिर्फ नॉर्मली फ़न पर्पज़ के लिए करना चाहते हैं तो आप फ्री वर्जन रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप इनमें से कोई भी इन्हीं क्वेश्चन में से कोई भी 5 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपको कि यही 5 क्वेश्चन पूछने हैं, तो आप कोई भी 5 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप ज़्यादा इस एप्लीकेशन का यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें जब बार बार किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो हमें उसे अपग्रेड कर लेना चाहिए आसानी के लिए। और अगर आप सिर्फ कभी कभी यूज़ करते हैं तो फिर आप इसे अपग्रेड ना करें, नॉर्मली फ्री वर्जन में भी आपको काफ़ी कुछ मिल जाता है, 5 क्वेश्चन भी काफ़ी होते हैं, इनफ होते हैं। आप अलग अलग क्या कहते हैं अलग अलग स्पिरिट से अलग अलग क्वेश्चन 5 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 5 क्वेश्चन भी बहुत होते हैं। ठीक है गाइस, ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।